हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 14 सिमेट्री की एक्सरसाइज 14.2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, गिव द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री ईच ऑफ द फिगर, यानी जितने भी हमें फिगर दे रखे हैं इनकी रोटेशनल सिमेट्री बतानी हमें क्या होगी। देखो, रोटेशनल सिमेट्री होती क्या, पहले हमें वो पता होना चाहिए। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब होता है कि वो बताना है रोटेशन जिसको टर्न करने पर, फिगर को घुमाने पर, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, हमारी फिगर एज इट इज जैसी ओरिजिनल है वैसी ही नजर आए, तो उसे बोलते हैं हम सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे एक हेक्सागन बना रखा है, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दिया, अभी कैसा नजर आ रहा है आपको, हेक्सागन नजर आ रहा है। अभी भी मैंने इसको टर्न करने पे ओरिजिनल फिगर से बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर फिर मैंने इसको एक बार वो टर्न किया, यानी जितनी बार आप टर्न करोगे वो होगी नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। लेकिन लगना क्या नहीं चाहिए, वो बिल्कुल एज इट इज़ ही लगना चाहिए, तो उसको बोला जाएगा नंबर ऑफ रोटेशनल। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क किया, एक हुआ, ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हो गया, मैंने फर्स्ट रोटेशन लगाया इसका, एज इट इज नज़र आ रहा है एक, दूसरा रोटेशन सेम नज़र आ रहा है दो, सेम नज़र आ रहा है तीन, चार, पाँच और छः, जहाँ मेरा पॉइंट था वापस वहीं पहुँच जाए। तो कुल मिलाकर इसके 6 बार रोटेशन करने पर फिगर हमारी ओरिजिनल ही रहती है, तो इसे बोलेंगे रोटेशनल सिमेट्री की कितनी होगी, 6 होगी। इसी तरीके से हमें फिगर दे रखी है, इनका चेक करना है। तो चेक करने का तरीका देखो, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया है, ठीक है, और इसकी जो फिगर है इसको मैंने यहाँ पर अलग से बना लिया है। अब इस फिगर को मैंने एरो को यहाँ पर रखा फर्स्ट टाइम, ठीक है, जैसे ही नज़र आ रही वैसे ही ये ओरिजिनल फिगर है, इसको रोटेट करने पर ओरिजिनल की तरह ही नज़र आएगी, तो वो इसकी रोटेशनल सिमेट्री होगी। तो यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, जैसे कि अभी ये वाला एरो हमारा राइट में है, ये लेफ्ट में है, मैंने इसको टर्न किया, क्या ये अभी ओरिजिनल जैसा नज़र आ रहा है, नहीं, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं हो सकती। यहाँ पर मैंने टर्न किया, तो टर्न करने पर देखो हमारा जो पॉइंट था, मान लो शुरुआत में ये यहाँ पर है पॉइंट, मैंने इसका एक टर्न किया है, फिलहाल अभी पॉइंट नीचे आ गया, ये अभी भी हमारा क्या है, ये राइट में, ये लेफ्ट में, सेम ओरिजिनल फिगर की तरह नज़र आ रहा है। फिर मैंने एक बार वो टर्न किया, जहाँ इसका डेसिमल था वापस वहीं पहुँच गया, ये भी हमारा क्या है, ओरिजिनल की तरह ही नज़र आ रहा है। तो यानी कि इसको मैंने 2 बार टर्न करने पर ओरिजिनल की तरह ही नज़र आ रहा है, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएंगी। क्लियर? इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट फिगर ये वाली, तो इसका पॉइंट मैंने हमा कर दिया, दोनों पॉइंट एक जगह पर ही है, ठीक है, 80 डिग्री है। अगर मैं इसको एक बार टर्न करता हूँ तो ये फिगर क्या सेम नज़र आ रही है, नहीं, सेम तो नहीं है। यहाँ टर्न किया, अभी भी सेम नज़र, जब तक सेम नज़र नहीं आ रही उसे हम कंप्लीट रोटेशनल सिमेट्री नहीं कह सकते। क्लियर? तो लेकिन स्टूडेंट सेम नज़र नहीं आ रहा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता हमारा, ये 80 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। इस वजह से ये हमारा 80 डिग्री ऊपर है, 80 डिग्री ऊपर है, अभी सेम नज़र आ रहा, तो एक रोटेशन हुआ। फिर मैंने इसको दोबारा टर्न किया, अभी सेम नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल ये, ठीक है, फिर मैंने दोबारा टर्न किया, तो यानी पूरा 180 डिग्री टर्न करने पर दोबारा सेम नज़र आया है हमें, ठीक है। तो एक बार ये वाला रिवोल्यूशन था, फर्स्ट राउंड हुआ 180 डिग्री का, दूसरा हमारा सेकंड ये वाला राउंड हुआ, 2 राउंड हुए कुल मिला के, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी। क्लियर? फिर इसी की तरह हमारे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा, इस ट्रायंगल पे मैंने यहाँ मार्क कर दिया, ठीक है, अभी बिल्कुल ओरिजिनल की तरह नज़र आ रहा है। मैंने इसको फर्स्ट टाइम रिवोल्यूशन किया, पहला टर्न किया, ठीक है, सेम ओरिजिनल फिगर की तरह ही हमें ये नज़र आ रहा है फर्स्ट टर्न करने पर। देखो ये हमारी ओरिजिनल है, इसी की तरह नज़र आ रहा है, फर्स्ट टर्न हुआ। फिर मैंने इसको सेकंड टर्न किया, ये अभी भी हमें क्या नज़र आ रहा है, ओरिजिनल की तरह ही नज़र आ रहा है, सेकंड टर्न हुआ। फिर हम करेंगे तीसरा टर्न, अभी भी ये ओरिजिनल की तरह ही नज़र आ रहा है, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट के लिए ये हमारी ओरिजिनल फिगर है, एरो मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने पॉइंट को यहाँ मार्क कर दिया, ये फिगर और ये फिगर बिल्कुल ओरिजिनल की जैसी है। अब मैंने इसको टर्न करना शुरू किया, ये पॉइंट मैंने एक बार टर्न किया, 90 डिग्री तक टर्न कर दिया, एक बार टर्न करने का मतलब होता है 90 डिग्री टर्न कर देना, अभी भी ओरिजिनल की तरह नज़र आ रहा है, एक रोटेशन कम्प्लीट हुआ। फिर मैंने 90 डिग्री टर्न किया, अभी भी सेम इसी तरह नज़र आ रहा है, 2 रोटेशनल हुए। फिर मैंने दोबारा टर्न किया, अभी भी सेम इसी तरह नज़र आ रहा है, 3 टर्न हुए।
वो फिगर बनाने में थोड़ी मेरे से मिस्टेक होगी, इस वजह से थोड़ा आपको डिफरेंट लग रहा हो भले ही, लेकिन ओरिजिनल अगर आप बुक में देखोगे तो इसी तरीके से बनी हुई फिगर। तीन रोटेशन लोगे, एक बार और टर्न किया, अभी भी ये मेरा ओरिजिनल की तरह ही नज़र आ रहा है। तो मैंने इसको कुल मिला के 4 बार टर्न करने पर भी सेम टू सेम फिगर रह रही है, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर ई। जैसे देखो, मैंने इस फिगर को पॉइंट को यहाँ मार्क कर दिया है ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा जो पॉइंट है वो किस तरीके से टर्न हो रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह नज़र आ रहा है। पहले मैंने 90 डिग्री को टर्न किया, टर्न करने पे अभी भी ओरिजिनल की तरह नज़र आ रहा है, एक रोटेशन कम्प्लीट हो गया। फिर दोबारा टर्न किया, ये फिगर और ये फिगर दोनों बिल्कुल एक दूसरे जैसे नज़र आ रही है, हमारा जो पॉइंट था यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, 180 डिग्री रोटेशन हो चुका है इसकी। फिर मैंने एक बार और टर्न किया, इसको टर्न करने पर अभी भी ये ओरिजिनल की तरह ही नज़र आ रहा है, 3 हो गए रोटेशन। एक बार मैंने इसको और टर्न किया, ठीक है, तो कुल मिला के इसकी रोटेशन कितनी हो रही है, 4, और चारों बार ये क्या रह रहा है, एक जैसे ही नज़र आ रहा है, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी 4। ठीक, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम अब इसका एफ पार्ट। इसके लिए मैंने पेंटागन बना रखा है, पॉइंट को मैंने यहाँ मार्क करा, इस एरो पे रख दिया, ये हमारा ओरिजिनल की तरह सेम नज़र आ रहा है, एक रोटेशन। टर्न किया मैंने यहाँ पर, अभी भी सेम ओरिजिनल की तरह नज़र आ रहा है, 2 रोटेशन हुई। फिर मैंने तीसरे वर्टेक्स को यहाँ पे रखा, अभी भी ओरिजिनल की तरह नज़र आ रहा है, 3 रोटेशन होगी। फिर मैंने इसको यहाँ पे रखा, क्रॉस हमारा एरो यहाँ पे शो कर रहा है, अभी भी ये हमारा ओरिजिनल की तरह नज़र आ रहा है, 4 रोटेशनल होगी। ठीक है, सॉरी, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे होगी, 4 ही होगी, और 5वीं रोटेशन ये हो जाएगी, घूमकर वापस वहीं पहुँच गया। तो कुल मिला के इसको 5 बार रोटेट किया जा सकता है। क्लियर, तो स्टूडेंट अब डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैंने इसका पॉइंट मार्क कर दिया है, ये जो फिगर है, ये फिगर हमारे बिल्कुल ओरिजिनल की तरह नज़र आ रही है। ठीक है, मैंने इसको टर्न करना शुरू किया, अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, पहला टर्न हुआ, ठीक है, अभी भी ओरिजिनल की तरह नज़र आ रही है, तो इसके रोटेशन सिमेट्री पॉसिबल है। फिर मैंने दूसरा टर्न किया, सेम नज़र आ रही है ये, तीसरा टर्न हुआ, अभी भी सेम नज़र आ रही है ये, चौथा टर्न हुआ, अभी भी सेम नज़र आ रही है ये, मैंने ये एरो यहाँ पर आ गया, ये 5वां टर्न हुआ, अभी भी सेम नज़र आ रही है, और ये हमारा 6ठा टर्न हुआ, अभी भी ये सेम नज़र आ रही है। तो कुल मिला के इसमें 6 रोटेशन किए जा सकते हैं, तब ये बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही नज़र आएगी। तो इसमें रोटेशन सिमेट्री कितनी होगी, 6 होगी। इसके बाद डिस्कस करते हैं इसका पार्ट नंबर एच। ठीक है, ये जो फिगर हमारी, देखो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा जैसा मेरे से बना वैसे मैंने बना दिया, ये फिगर अभी ओरिजिनल की तरह नज़र आ रही है। ठीक है, मैंने पॉइंट यहाँ मार्क कर दिया, करने के बाद मैंने इसका फर्स्ट रोटेशन किया, अभी भी ये ओरिजिनल की तरह नज़र आ रही है। ये इसका मैंने सेकेंड रोटेशन किया, अभी भी इसी की तरह नज़र आ रही है, और ये मैंने इसका थर्ड रोटेशन किया, ठीक है, ये अभी भी क्या है, ओरिजिनल की तरह ही नज़र आ रही है। तो इसके कुल मिला के 3 रोटेशन किए जा सकते हैं। दोबारा बता दूं, ये फर्स्ट हो गया, हाँ, ये इसका सेकंड हो गया, सॉरी फर्स्ट तो नहीं, यहाँ से गया, ये फर्स्ट हुआ, फिर यहाँ पर सेकंड हुआ, और ये इसका थर्ड हो गया। तो कुल मिला के इसके 3 रोटेशन हो गए। जैसे रोटेट करने पर इसको ओरिजिनल फिगर की तरह ही नज़र आनी चाहिए फिगर, तभी वो रोटेशनल इसका पॉसिबल हो पाएगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कम्प्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।